તો ગુજરાતમાં હજુ મેઘમહેર યથાવત રહેશે. રાજ્યમાં આગામી 7 દિવસ સાર્વત્રિક વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આજે જામનગર, પોરબંદર, દ્વારકા અને કચ્છમાં અતિ ભારે વરસાદની આગાહી કરાઈ છે. ગાજવીજ અને ભારે પવન સાથે વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરાઈ છે. આજે અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં વરસાદને લઈને ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. સમગ્ર ગુજરાતમાં અતિ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. રાજ્યમાં ચાલુ સિઝનમાં 58% વધુ વરસાદ પડી ચૂક્યો છે. સૌરાષ્ટ્રમાં 50% વધુ વરસાદ નોંધાયો છે. नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी और सौराष्ट्र कच्छ के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और इसके साथ ही 20 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पे एक सीयर जोन पैटर्न बना है और साउथ गुजरात में ऑफशोर ट्रफ परसिस्ट कर रहा है, जिसके लिए आज के लिए गुजरात रीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर है, जिसमें वेरी हैवी टू हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी है. आज के लिए सौराष्ट्र और कच्छ रीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर है, जिसमें हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी है. डे टू के लिए जहां पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा, वलसाड़, तापी और दमन और दादरा नगर हवेली और साथ में येलो अलर्ट जारी है. और डे थ्री और डे फोर और डे फाइव की बात करेंगे तो नवसारी, वलसाड़, तापी, दमन और दादरा नगर हवेली के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में येलो अलर्ट जारी है. तो डे टू के लिए जामनगर, पोरबंदर, द्वारका और कच्छ के लिए वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और जूनागढ़, मोरबी और गिर सोमनाथ के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है. आज अहमदाबाद और गांधीनगर के लिए वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग, साथ में ऑरेंज अलर्ट और थंडरस्टॉर्म की भी वार्निंग है. आज और कल के लिए गुजरात स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं, जिसमें थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है. और फिशरमैन वार्निंग की बात करेंगे तो आने वाले 5 दिनों के लिए फिशरमैन की वार्निंग है एंटायर गुजरात कोस्ट के लिए. और डे वन और डे टू आज और कल की बात करेंगे तो जो विंड की स्पीड होगी वो 35 से 45 km/h और साथ में जो गस्टी विंड होगी वो 55 km/h. ओवरऑल गुजरात एज ए होल स्टेट तो 418 mm रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है और नॉर्मल के हिसाब से 353 mm होना चाहिए. तो परसेंटेज में बात करेंगे तो नॉर्मल के हिसाब से 18% ज़्यादा बारिश हुई है गुजरात एज ए होल स्टेट. गुजरात रीजन में 1 जून से आज तक 29 जुलाई तक जो रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है वो 431 mm और नॉर्मल के हिसाब से 451 mm होना चाहिए. तो गुजरात रीजन में -4% डेफिशिएंट रेनफॉल हुई है. सौराष्ट्र रीजन की बात करेंगे तो 1 जून से 29 जुलाई तक जो रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है वो 413 mm हुआ सौराष्ट्र और कच्छ रीजन का और नॉर्मल के हिसाब से 276 mm होना चाहिए. तो ओवरऑल परसेंटेज में देखा जाए सौराष्ट्र रीजन में तो नॉर्मल के हिसाब से +50% बारिश ज़्यादा हो रही है. तो अरवली ना